सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊं कि 1K के बाद 1000 होने सब्सक्राइबर होने के बाद अब क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, जब आपके 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस हो जाते हैं ना, तो चैनल पे आपका जो 1K लिखा आता है ना यार, वो बॉस बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फीलिंग होती है। उससे क्या आपको तगड़ा वाला मोटिवेशन मिलता है ना यार, कि बस यार वो फीलिंग मुझे अभी फील हो रही है कि बिकॉज मैं 1K तक पहुंच गई हूँ। और टेंशन मत लीजिए, आप लोग भी वहां तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, किसी की बात मत सुनो, जो आपको लगता है बस केवल वही करो, अपने पैशन को फॉलो करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। देन सेकंड बात हम करते हैं कि इसके बाद एडिशनल फीचर हमें क्या मिलता है। इसमें एडिशनल फीचर, जब आप 1K पहुंच जाते हैं तो आपको मिलता है लाइव चैट का ऑप्शन। लाइव चैट का फीचर से बेस्ट पार्ट क्या है, इससे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप लाइव हो सकते हैं। अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कहीं भी बैठ के अपनी ऑडियंस से बात कर सकते हैं, उनसे ढेर सारा प्यार ले सकते हैं, जो अभी तक हम नहीं ले पा रहे थे, अब जब तक हम 1000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंच पाए। तो ये सबसे, मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि इस फीचर के द्वारा हम लोग अपने ऑडियंस तक पहुंच पाएंगे, उनसे और बेटर व्यूज़ ले पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। देन तीसरी बात है, इसमें हमें एक सुपर चैट का ऑप्शन भी मिलता है। अब आप पूछेंगे यार, सुपर चैट क्या है, लाइव चैट तो समझ आ गया, सुपर चैट बेसिकली क्या है यार बॉस? ये भी इस तरह का चैट वाला ही ऑप्शन है, इसमें भी आप लाइव जा सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है, जो भी आपके व्यूअर है, जो भी आपकी ऑडियंस जो आपको सुन रही है उस समय, वो आपको कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, लाइक 100 रुपये, 200, 300, 1000, 2000, उनकी इच्छा के अनुसार। लेकिन आप पूछेंगे यार, वो डोनेट क्यों करते हैं? वो डोनेट इसलिए कर सकते हैं, अगर बाई चांस मान लो आपने कोई कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है, कुछ बनाया है तो उनको पसंद आ रहा है, तो बेसिकली आपसे चैट के थ्रू आप उसमें भी लाइव जा सकते हैं, वो आपको डोनेट कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या है, वो डोनेशन एक उससे भी करते हैं, एक बेनिफिशियल, दिमाग में एक बेनिफिट भी रहता है। क्या कि बेसिक जब डोनेशन आप करते हैं सुपर चैट के थ्रू, तो उससे आपका जो नाम है, नाम आपका हाईलाइट होता है रेड या ब्लू कलर में। यार कुछ लोग अपने नाम के लिए बहुत पागल होते हैं, तो उनको लगता है यार मेरा नाम हाईलाइट होगा, तो वो ये भी करते हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार, लाइव चैट, सुपर चैट, ये जब आपको फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, ये कोई कंपल्शन नहीं होता, ये बेसिकली एडिशनल फीचर है जो आपको यूट्यूब 1000 होने के बाद देता है, दैट इज 1K। 1K इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, वही एक मोटिवेटिंग फैक्टर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए और बूस्टअप करता है कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मेरी ये वीडियो, जो मेरा बनाने का पर्पस है ना यार, ये बेसिकली उन लोगों के लिए, बिकॉज जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हम लोगों को भी सबने ये बोला यार टाइम वेस्ट है यार, फालतू की चीज़ें मत करो, सबने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बना रखे हैं, कुछ कंटेंट लाओ, कुछ डिफरेंट लाओ, तभी को तुम कुछ कर पाओगे। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑनेस्टी होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पैशन होना चाहिए, आप चाहे कुछ भी करो। तो इसलिए ये उन मेरे दोस्तों के लिए भी है और मेरे दोस्तों के लिए भी है जो मुझसे पूछते रहते हैं कि यार आखिर 1000 सब्सक्राइबर होता क्या है, तभी कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आई जस्ट होप यार कि आपको इस वीडियो से कुछ छोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि आखिर 1K होने के बाद हमें क्या क्या एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं यूट्यूब के थ्रू। सो डोंट वरी यार, अभी तो एक छोटा सा नमूना था, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको एक एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़, एक एक जानकारी ज़रूर दूंगी, बिकॉज मैं भी चाहती हूँ जहाँ तक हम बढ़े आप भी मेरे साथ वहाँ तक जाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, आप इन चीज़ों को पढ़ना किया है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, कुछ कर ले, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, व्यूज़ बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बॉस, बिकॉज ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यार, आपको महीने मैंने कम से कम 15-20 कंटेंट रेडी रखूँ, जिससे कि आपका जो चैनल है बेसिकली वो सर्च पर रहेगा, लोगों के दिमाग में रहेगा, जब वो रहेगा बार बार वो देखेंगे तो सब्सक्राइबर अपने आप ही बढ़ेंगे और व्यूज भी बढ़ेंगे। तो जस्ट कीप द थिंग्स इन जेन्यू वे, ठीक है ना, वो कहावत सुनी है ना, स्लो स्टडी विन द रेस, तो यही चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। सो नमस्कार दोस्तों, एंड बने रहिए, जल्द ही मैं आपसे मिलती हूँ, थैंक यू सो मच।